कालाढूंगी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत 100 दिवसीय निक्षय शिविर का शुभारंभ किया गया। शिविर का उद्घाटन विधायक प्रतिनिधि विकास भगत ने किया। इसके साथ ही विधायक प्रतिनिधि विकास भगत ने सीवाई टीबी कार्यक्रम मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वही कार्यक्रम के दौरान टीबी मरीजों को पोषण आहार किट का भी वितरण किया गया। बता दें कि 2025 का टीबी मुक्त भारत का मिशन रखा गया था, जिसकी अवधि बढ़ाकर 2030 कर दी गई है। इसी को लेकर ब्लॉक MOI सी डॉक्टर मार्तोलिया ने बताया कि पहले इस कार्यक्रम के तहत सिर्फ टीबी के मरीजों को ढूंढा जाता था, लेकिन अब इस कार्यक्रम को मिशन मोड पर ले जाते हुए टीबी के इन्फेक्शन पर भी कार्य किया जा रहा है। कालाढूंगी से मुकेश चिम्बाल की रिपोर्ट। सरकार ने 100 दिन के अंदर टीबी उन्मूलन का जो संकल्प लिया है, उसी संकल्प को देखते हुए आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ से टीबी उन्मूलन के लिए जन जागरूकता अभियान चलाने के लिए एक एम्बुलेंस को भी यहाँ रवाना किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत सरकार द्वारा 347 जिलों को चिन्हित किया गया, भारत सरकार के द्वारा, और उन 347 जिलों के अंदर टीबी उन्मूलन के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। और सरकार इसके साथ ही साथ जो टीबी मरीज है उसके लिए विशेष आहार किट का भी सरकार द्वारा विशेष रूप से इंतजाम किया गया है, उसको आर्थिक सहायता भी सरकार द्वारा प्रदान की गई है। सरकार का यह लक्ष्य है कि टीबी को पूरे भारत से किसी तरह टीबी को हटाना है, हर व्यक्ति को स्वस्थ रखना है, और इसमें हम लोग भी अपनी भागीदारी कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो यह टीबी उन्मूलन के लिए जो संकल्प प्रधानमंत्री जी द्वारा लिया गया है, निश्चित तौर पर यह सफल होगा और इसमें सभी लोग, पूरी जनता और हम सब लोग मिलकर भागीदारी करेंगे। MS 6800 का, तो इसमें जितने भी हमारे जो हमारा जो पूरे ब्लॉक में और पूरे इंडिया में शुरू हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, तो इसमें हमें जो टीबी रोग हैं, जितने भी टीबी रोग के मरीजों के लिए प्रोग्राम शुरू करने हैं करा किया गया है। इसमें हमें हर गांव में और न्याय पंचायत से लेकर सभी लोग, जितने भी 60 ईयर से ऊपर लोग हैं और जितने भी डायबिटिक अल्कोहलिक हैं, तो उन सबको हम लोग चिन्हित करेंगे और साथ ही साथ उनके लाइन लिस्टिंग बना के उनके जांच और एक्सरे और स्प्यूटम एग्जामिनेशन करेंगे, जिससे मतलब पूरे क्षेत्र को हम इस टीबी से मुक्त कराने की कोशिश करेंगे। सरकार द्वारा जो टीबी उन्मूलन का प्रोग्राम है वो 100 डेज तक चलेगा, और जिसमें कि निःशुल्क जाँच, दवा और सभी उनको उपचार के लिए बताया जाएगा कि कैसे उपचार करना, कहाँ पर उपचार करना है, किस तरह से उनको मेडिसिन मिलेगी। ऐसा कोई नहीं है कि उसमें उनका कोई खर्च होगा, आने जाने का जो भी होगा आशा किसी तरह से अपना ले जाएंगे या कैसे भी इलाज करेंगे।